मॉनसून दस्तक दे चुका है और सुबह की खूबसूरती कोयल की मधुर आवाज से भर जाती है। कोयल पक्षी कवियों और लेखकों की रचनाओं में आकर्षण का विषय रहा है। कोयल के गीत बारिश से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने पड़ोस में एक कोयल को कौवे के घोंसले में ताकझांक करते हुए देखा है? ऐसा नजारा सबसे ज्यादा मॉनसून के मौसम में मिलने की संभावना रहती है। ये वो टाइम होता है जब कौवे घोंसला बनाना शुरू करते हैं। कोयल और कुकू एक ही परिवार के चचेरे भाई हैं। दोनों पक्षी मेजबान पक्षियों के घोंसलों में अंडा देते हैं। कोयल पूरी तरह से हाउस क्रो पर निर्भर होती है। ये पिछले कई वर्षों से हमारे पड़ोसी पक्षी बन चुके हैं। कोयल और कौवा में पहले कौन आया, इसके बारे में शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इन दोनों के बीच प्रेम और नफरत का रिश्ता काफी पुराना है। एशियाई कोयल एक चालाक एवियन पैरासाइट बर्ड है जो एक डोमिनेंट अग्रेसिव सर्वाइवर है। एशियाई कोयल एक ब्रूड पैरासाइट है। कोयल माता पिता पक्षी अपने अंडों को क्रो के नेस्ट में रखने के लिए क्रो के अंडों को अपनी चोंच मारकर नेस्ट से बाहर नीचे गिरा देते हैं। कुछ मामलों में यहाँ तक देखा गया है कि कोयल का नवजात बच्चा भी क्रो के अंडे को घोंसले से बाहर धकेल देता है। सचमुच एक घोंसले में ऐसा होते देखना काफी चौंकाने वाला हो सकता है। कोयल का इंक्यूबेशन पीरियड अथवा अंडों से चूजे निकलने का टाइम 13 से 16 दिन का और कौवे के चूजे अंडों से बाहर 17 से 20 दिन में आते हैं। इस प्रकार कोयल के चूजे कौवे के चूजों से पहले अंडों से बाहर निकलते हैं। कोयल के द्वारा क्रो के साथ बेईमानी की पूरी प्रक्रिया बारिश से पहले शुरू होती है। उन्हीं दिनों में कौवे जोड़ा बनाते हैं और अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। नर कोयल गहरे काले रंग का होता है और यह क्रो पर बड़ी पैनी नजर रखता है। यह नर कोयल ही वो पक्षी है जो अपनी मीठी आवाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नर कोयल को 16 से अधिक अलग अलग प्रकार की कॉल गाते हुए देखा गया है, जबकि मादा कोयल केवल 2 प्रकार की आवाज ही निकालती है। मादा के शरीर पर भूरे रंग का धब्बेदार पैटर्न होता है। नर कोयल मादा कोयल को आकर्षित करने के लिए गाता है। नर पक्षी की मजबूत आवाज उसके स्वस्थ होने की सूचना भी देती है। ऐसी आवाजें अक्सर एकांत के समय में या सुबह 3 से 4 बजे के बीच काफी साफ सुनाई पड़ती है। दरअसल नर कोयल मादा कोयल को अपनी उपस्थिति की सूचना देता है। नर कोयल लंबी कुहू की आवाज निकालता है। अपनी लंबी कुहू की ध्वनि से नर कोयल अन्य साथी कोयल को सूचना देता है कि कौवे ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी कॉल ज्यादातर लंबी ही होती है, जो कि सामान्य शॉर्ट नोट्स से बिल्कुल अलग लगती है। नर पक्षी एक स्ट्रेटजी के तहत काम करता है और वह कौवे के माता पिता को विचलित करता है और उनका ध्यान उनके घोंसले से हटा देता है। अवसर का फायदा उठाते हुए मादा कोयल चुपके से घोंसले के अंदर आ जाती है और अपना अंडा देकर चली जाती है। महिला कोयल में अंडे को शरीर के अंदर रोके रखने और उन्हें बाहर आने में देरी करने की विचित्र क्षमता होती है। जब कोयल के बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो वे कौवे की आवाज़ की नकल करते हैं। जब वे अपनी पहली उड़ान भरने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तभी वे गाना शुरू कर देते हैं और क्रो को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हो जाता है और वह उन घुसपैठियों को दूर उड़ा देता है। कई बार अपने साथ हुए छल को जानते हुए भी कौवा प्रेम होने के चलते कोयल के बच्चों का पालन पोषण करता है और कभी कभी क्रो दुखी होकर अपना घोंसला भी छोड़ देता है। आमतौर पर कौवे को एक बुद्धिमान पक्षी माना जाता है, लेकिन कोयल अत्यधिक चतुर और चालाक होती है, जिसके कारण कौवा धोखा खा बैठता है। कोयल माता पिता उस क्रो के घोंसले पर पूरी नजर रखते हैं। यदि क्रो कोयल के चूजों की अच्छी देखभाल नहीं करता तो नर कोयल क्रो के पूरे घोंसले को नष्ट कर देता है। कोयल और कौवे के इस संघर्ष में कोयल पक्षी की संख्या कौवे के मुकाबले में ज्यादा होती है, क्योंकि ये कौवे से अधिक चालाक होने के कारण जीत जाती है।
कुक्कू और कोयल दोनों भारत में पाए जाते हैं। कॉमन हॉक कोयल, जिसे इसकी मीठी आवाज की खासियत के कारण ब्रेन फीवर बर्ड भी कहा जाता है, और वाइट कोयल, जिसे तमिल में अक्का कोयल भी कहते हैं। यह काफी आक्रामक भ्रूण पराशक्त है। कुछ कोयल ऐसी भी होती हैं जो अपना घोंसला स्वयं बनाती हैं। ये मात्र दो ही प्रकार की होती हैं और इनके नाम है ग्रेटर कुकुल और सदर्न कुकुल। वे आमतौर पर झाड़ियों में ही पाई जाती हैं। कुकू आंशिक प्रवासी और उष्णकटिबंधीय वन के निवासी होती हैं। इनके होस्ट बर्ड मैना, स्टर्लिंग, पियोरा, येलो बिल्ड बबलर और जंगल बबलर जैसे कई बर्ड्स होते हैं, जबकि कौवा कोयल के लिए एकमात्र ही होस्ट है। कोयल आमतौर पर जंगली कौवे के घोंसले से बचती है। एक बार एक घायल मादा कोयल देखी गई थी। संभवतः है उस पर जंगल के कौवे ने हमला किया होगा जब वह उसके घोंसले में अंडे देते समय रंगे हाथों पकड़ी गई होगी। कोयल सर्वाहारी होती है और प्रोटीन के लिए कैटरपिलर और कीड़ों को खाती है। हालांकि फल उनका मुख्य आहार है, कौवे की तरह कोयल ने भी प्रत्येक मौसम तापमान वायुमंडल के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की क्षमता होती है, और यह ज्यादातर हरे भरे क्षेत्रों में, मंदिरों के बगीचों आदि में पाई जाती है।